हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अनअकैडमी लाइफ एसएससी एग्जाम्स। आप सभी लोगों का स्वागत है इस पर्टिकुलर क्लास में। टुडे इज द फाइनल सेशन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर सीरीज फॉर एसएससी। आज सभी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। सो व्हाट नेक्स्ट, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग मेरे प्रोफाइल में विजिट करके बहुत सारे फ्री कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जो कि आपके स्पेशल क्लासेस होते हैं। आपको ऐप के अंदर यू कैन सर्च माई नेम ANTARABHUYAN और आपको यहाँ पे अपकमिंग स्पेशल क्लास कल 23rd का आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अपकमिंग स्पेशल क्लास है कल 23rd ऑफ जून को। इसके बाद 25th ऑफ जून को भी स्पेशल क्लास है और 30th ऑफ जून को भी आपका स्पेशल क्लास है। टाइमिंग सेम है, मॉर्निंग को 10 AM। सो नेक्स्ट स्पेशल क्लासेस टुमारो मॉर्निंग एट 10 AM। एवरीबडी प्लीज ज्वाइन दी क्लासेस। अभी हम आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन जल्दी से यहाँ पे पहले शेयर कर देंगे, सभी लोग जुड़ जाए। आज लास्ट सेशन है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर सीरीज में। ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सो इससे पहले हम लोग 5 सेशंस डिस्कस कर चुके हैं, आज डे 6 है। सभी सेशंस को आप प्लेलिस्ट के फॉर्म में अपने पास सेव रख सकते हैं। इससे आप सभी आर्ट एंड कल्चर के सीरीज के जो टॉपिक्स है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी तक क्लासिकल डांस और फोक डांस से क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और वो किस पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस वो रिपीटेड आपको पूछे जा रहे हैं, तो आप वहाँ से मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इसीलिए आप इसे अपने पास एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में ज़रूर सेव रखें। व्हाट नेक्स्ट, यूट्यूब में कमिंग थर्सडे से, देखिए ये सेशंस आपके मंडे ट्यूसडे और थर्सडे 5 PM को हम कंडक्ट कर रहे हैं। सो कल से हम लोग का यहाँ पे नया बैच स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। उसी के साथ साथ थर्सडे से यहाँ पे शुरू हो जाएगा आपका, दैट इज 24th ऑफ जून से, क्योंकि 23rd ऑफ जून यानी कि कल से वेडनेसडे से आपका कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है। तो 24th जून से आपका पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो रहा है। पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेम मंडे ट्यूसडे थर्सडे 5 PM। पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज 24th ऑफ जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कल प्राइस हाइक इज ऑल्सो कमिंग अप, दैट इज आपका जो फी है, कोर्स फी है, वो इंक्रीज होने जा रहा है कल से। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एनरोल कर ले इंडियन पॉलिटी कोर्स के साथ साथ सभी एजुकेटर्स के सभी क्लासेस में आप एनरोल कर सकते हैं। आप सभी एजुकेटर्स के सभी क्लासेस में बैठ सकते हैं। आप ये सोचिए कि आप किसी भी क्लास में जाके बैठ सकते हैं, आप किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। So this is the best thing that is possible on the Unacademy platform. There are more than 100 plus educators और सभी educators हर month new courses भी launch करते हैं और आप सभी educators के सभी courses को access कर सकते हैं। Do not forget to use my plus code. You can use the code ANTARA10 और जो आपको scroll bar में दिख रहा है BHUYANLIVE, दोनों ही कोड आपको डिस्काउंट यहाँ पे अवेल कराएंगी और आप जो है प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर ऑल SSC एग्जामिनेशन। अभी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो गोइंग ऑन, दैट इज बैंक प्लस SSC। आप 7999 के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर 1 year पीरियड एंड यू विल ऑल्सो गेट एडिशनल मंथ्स फ्री एज ऑफ नाउ। अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो जब तक ये ऑफर वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ तभी तक। सो डू नॉट वेट फॉर द प्राइस टू हाइक और उससे पहले आप यहाँ पे एनरोल कर लीजिए। 23rd से न्यू बैच और 24th से क्वेश्चन सीरीज। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज जुबिन मेहता इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। जुबिन मेहता किस फील्ड से एसोसिएटेड है? आप लोग के आंसर्स मुझे यहाँ पे जो है चैट बॉक्स में दिखाई दे रही है। आई कैन सी रजत, सुरेंद्र, अभिषेक। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? जुबिन मेहता इज एसोसिएटेड विथ लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक या फिर जर्नलिज्म। ही इज एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। ये क्वेश्चन आपको इसीलिए पूछा गया है क्योंकि
भारत में और इंटरनेशनल लेवल पे भी म्यूजिक के लिए ही हैज वोन अवार्ड्स। तो इंडियन ओरिजिन के या फिर इंडियन, ही इज इंडियन कॉम्पोजर, कभी कोई भारतीय या फिर कोई इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति भी अगर इंडिया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में यहाँ पे भारत का नाम जब भी वो रोशन करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट शॉर्ट रहते हैं। तो सिमिलरली दिस वाज अ क्वेश्चन, म्यूजिक इज द करेक्ट आंसर। प्रियव्रता, करेक्ट आंसर इज म्यूजिक, ऑप्शन नंबर 3। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड? NFAI, दैट इज नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन पुणे, चेन्नई, बैंगलोर और मुंबई। कल हमने देखा था संगीत नाटक एकेडमी कहाँ पे लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो वो एक रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसका हेडक्वार्टर, प्रियव्रता कर, अच्छा यहाँ पे तो जब पुणे दिया हुआ है, ठीक है, जब पुणे दिया हुआ है तो हम सीधे अभिषेक सुरेंद्र, हम सीधे तब किस पे टिक कर देंगे? पुणे टिक कर देंगे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज पुणे में स्थित है नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 थाट्स और स्केल्स बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ म्यूजिक? ये एकदम रिसेंट 2017 का क्वेश्चन है कि 10 थाट्स जो होते हैं, 10 थाट और स्केल्स, ये कहाँ पे है? स्केल्स आपने सुना होगा कि जैसे बी मेजर, बी माइनर, सी मेजर, से ऐसे आपने नॉर्मल हिंदी बॉलीवुड गानों में सुना होगा। तो एटलीस्ट यू नो दैट इट इज़ फ्रॉम म्यूजिक। फोक म्यूजिक में तो ऐसा कोई स्केल होता नहीं है, बाकी 3 और 4 से भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो हिंट, अगर आप गेस वर्क भी करते हो एलिमिनेट करते हुए बाकियों को, तो आपके पास बचता है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, विच इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ये आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, शशि द एग्जाम्पल लेट आई गिव यू, वो वेस्टर्न म्यूजिक में या फिर बाकी आप म्यूजिक में देख सकते हो। सिमिलरली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में क्या होता है? थाट्स होते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर बिलोंगिंग टू गुजरात? इनमें से कौन सा ऐसा फोक थिएटर है जो कि गुजरात से बिलोंग करता है? ऑप्शंस देखिए, जात्रा, जात्रा वर्ड जैसे ही दिखे वही समझ जाना है कि कहाँ पे होता है, उड़ीसा, है ना। रथ यात्रा भी अगर पूछे, जात्रा पूछे, तो जात्रा जो है लार्जेस्ट ओपन थिएटर भी कहा जाता है, ये उड़ीसा में स्थित है। रास, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, सिर्फ रास दिया होता है, तो हमने देखा कि दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो रास लीला, जो कि आपका कहाँ पे होगा, वृंदावन, मथुरा, यूपी, और दूसरा दांडिया रस कहा जाता है। तो दांडिया अगर होता तो फिर कहाँ होता, तो फिर गुजरात में होता। नेक्स्ट देखिए, पर यहाँ सिर्फ रास दिया हुआ है, इट इज अ फोक डांस, रास लीला है तो फिर वो उत्तर प्रदेश, और अगर कभी एग्जाम में पूछे कि नहीं दांडिया रस बोले, तो दांडिया वर्ड जैसे ही आ जाता है तो आप गुजरात। तमाशा और नौटंकी, मैंने आपको दोनों बहुत अच्छे से याद रखने के लिए कहा था। तमाशा अगर कहीं भी हो तो फिर क्या होगा, महाराष्ट्र, और नौटंकी हो तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, तमाशा है तो महाराष्ट्र और नौटंकी है तो उत्तर प्रदेश। अब बचा एक ही ऑप्शन, वो है भवाई। बताइए आंसर्स। गुड इवनिंग नीलकांता, हिमांशु, गर्विता, सुरेंद्र एंड अविनाश। करेक्ट आंसर्स एवरीबडी, द करेक्ट आंसर हियर इज भवाई। तो भवाई कहाँ का फोक थिएटर फॉर्म है? तो ये गुजरात का फोक थिएटर फॉर्म है भवाई। जात्रा उड़ीसा, रास उत्तर प्रदेश, दांडिया रस गुजरात, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश और भवाई गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेड द लीड कैरेक्टर इन द मूवी बैंडेड क्वीन? बैंडेड क्वीन के लिए पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, पूछा गया था, अभी ये पूछा जा रहा है कि इनमें से किन्होंने लीड कैरेक्टर, ये करंट में भी आपको काफी ज्यादा पूछते हैं, 2018 ऑल्सो दे हैड आस्क्ड अबाउट आलिया भट्ट, किसी एक मूवी के लिए पूछा था कि लीड कौन है, दैट रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट मूवी, इफ यू रिमेम्बर, रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट मूवी, म्यूजिक पे जो रिलेटेड था उसके लिए पूछा था कि लीड एक्ट्रेस कौन है। और विद्या बालन के लिए, विद्या बालन के लिए आपको पूछा कि मार्स मिशन जो है उसमें, उस पे जो मूवी बनी उसमें लीड एक्ट्रेस कौन है, ये दो क्वेश्चन आपको हाल फिलहाल में पूछा गया है। सो हु प्लेड द लीड कैरेक्टर ऑफ बंदिट क्वीन?
सीमा विश्वास, हाँ गली बॉय मूवी के लिए पूछा था, बिल्कुल सही, यही तो है ना, रणबीर सिंह एंड आलिया भट्ट वाला मूवी, तो उसके लिए आपको 2018 एकदम रीसेंट क्वेश्चन है। तो लीड फीमेल एक्ट्रेस के किन्होंने रोल किया, तो ये काफी ज्यादा आपको पूछता है, तो इधर आंसर क्या हो जाएगा, सीमा विश्वास, 3 इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? अहमदाबाद, मैसूर, मुंबई या फिर पुणे? अगेन करेक्ट आंसर्स एवरीबडी, प्रियव्रत इज राइटिंग पुणे, पवन राइटिंग पुणे, गणेश करेक्ट आंसर, मातुर करेक्ट आंसर। अगर आप यहाँ पे पुणे लिखते हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि हाँ पक्का आप जो है इसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पुणे, पुणे में लोकेटेड है। द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII, ये किन्होंने सेटअप किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेटअप है, और 1960 को ये एस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे? पुणे। अगर कभी पूछे कि प्रभात स्टूडियोज कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा आगे से कि प्रभात स्टूडियोज भी जो है ये भी पुणे में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कोई भी फिल्म पे कोर्स करने जाता है तो प्राइवेट में चार्जेस ज्यादा रहता है, तो इधर ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट है 1960 का। को रिलेट द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग एमिनेंट पर्संस एंड देयर 40, दैट इज वो किसमें माहिर थे या फिर कौन किसमें माहिर है, इसके साथ कोरिलेट करना है। ऐसे मैच द फॉलोइंग में हमने देखा एक या दो से काम बन जाता है हमेशा। जुबिन मेहता हमने क्वेश्चन देखा था, तो जुबिन मेहता म्यूजिक से एसोसिएटेड है, बी के साथ 4 चाहिए, बाकी आप ढूंढिए और बताइए। जामिनी रॉय आपने काफी बार देखा, जामिनी रॉय किससे एसोसिएटेड है, तो अगर आप डी को मिला लेंगे तो डी के साथ क्या होगा बता दीजिए, आंसर बन जाएगा जामिनी रॉय। फर्स्ट डे 1 से हम लोगों ने देखा था, आर्ट और पेंटिंग पे जब क्वेश्चन रहेगा तो जामिनी रॉय वेरी इंपॉर्टेंट नेम एंड रिलेटेड टू पेंटिंग, सो व्हाट इज योर आंसर? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, वेरी गुड जी। चलो 3 तो नहीं, क्योंकि इधर जामिनी रॉय इज एसोसिएटेड विथ पेंटिंग, सो 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जामिनी रॉय इज एसोसिएटेड विथ पेंटिंग। तो कभी भी ऐसे मैच द फॉलोइंग रहे तो आर्ट एंड कल्चर पूरे सीरीज में हमने देखा है कि एक या दो जो आपको आता हो उसी से आंसर आपका बन जाता है, पर आगे से ध्यान रखिएगा कभी पूछे कि थॉमस एल फ्रेडमैन इज एसोसिएटेड विथ, आंसर जर्नलिज्म एंड इस्मत चुगताई, वेरी यू कैन से फेमस नेम, इज एसोसिएटेड विथ व्हाट, इज एसोसिएटेड विथ लिटरेचर। द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स स्टार्टेड दी तानसेन सम्मान, इसमें करंट अफेयर्स भी पूछते हैं, सबसे लेटेस्ट तानसेन सम्मान किन्हें मिला और वह किस फील्ड से एसोसिएटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने तानसेन सम्मान शुरू किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? और अभी लेटेस्ट कौन है, कितने लोग को पता है बताइए। मध्य प्रदेश, वेरी गुड हिमांशु, पवन, अंकित, प्रियव्रता, करेक्ट आंसर्स एवरीवन, अभिषेक करेक्ट, गणेश, शशि, अंकित करेक्ट आंसर्स, अरे वेरी गुड पंडित व्यास, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स में ये एक आप ये समझिए कि हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल जैसे दादा भाई जैसे आपको फिल्म के केस में पूछते हैं कि किसे अवार्ड्स मिला है, तो सिमिलरली यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि तानसेन सम्मान, ये मध्य प्रदेश का सम्मान है और इस बार पंडित व्यास को मिला है, पंडित सतीश व्यास, पंडित सतीश व्यास जो कि किस फील्ड से एसोसिएटेड है, संतूर से एसोसिएटेड है, और इनके जो पिताजी वो एसोसिएटेड है वोकल म्यूजिक से, तो जब उनको अवार्ड मिला तो उन्होंने अपने स्पीच में जो न्यूज़पेपर्स में छपती है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि बचपन में उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था सिलेक्ट करना कि वो वोकल्स में जाएंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट्स में जाएंगे कि वो वाद्य बजाने के फील्ड में जाएंगे, तो फिर उन्होंने संतूर सिलेक्ट किया और वो पंडित सतीश व्यास एंड संतूर से वो एसोसिएटेड है, एंड ही हैज़ रिसीव दी
तानसेन समाज। नेक्स्ट, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया क्या है, भारत का नेशनल फ्रूट क्या है? आम है, अभी तो जो भी नेशनल फ्रूट है उसका सीजन भी है। पाइनएप्पल है, एप्पल है, या फिर ग्रेप्स है? फलों का राजा बेसिकली कहा जाता है, किसे कहा जाता है? रजनीकांत अवार्ड भी, यस, क्योंकि वो भी रिसेंट 2 साल से आपको पूछा जा सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली इट इज योर मैंगो, डेफिनेटली इट इज योर मैंगो। सिमिलरली आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कि एक्वेटिक डॉल्फिन के ऊपर कि वाटर एनिमल कौन सा है, वाटर एनिमल कौन सा है ना, इंडिया का नेशनल वाटर एनिमल कौन सा है, तब आपका आंसर क्या था? गैंगेटिक डॉल्फिन वॉज योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली कभी पूछे बर्ड कौन है, पीकॉक, फ्लावर कौन सा है, लोटस, तो ये सब तो आपको बचपन से पता है ना, तो ये वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ट्री कितने लोगों को पता है? नेशनल ट्री, नेशनल ट्री फिकस बेंगलेंजिस, बेंगलेसिस, दैट इज योर बेनियन ट्री, बेनियन ट्री, बेनियन ट्री जो है वो आपका नेशनल ट्री है। बेनियन ट्री आपका भारत का नेशनल ट्री है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसका जो रूट्स नीचे आके जमीन पे लग के फिर वहां से हैंगिंग रूट्स से और नए ट्रीज जो निकलते हैं, इट्स लाइक उसको लॉन्जिटिविटी एक तो प्रोवाइड होता है और स्ट्रेंथ भी दर्शाता है, सो दैट इज वाई बेनियन ट्री इज आवर नेशनल ट्री, बरगद का पेड़। नेक्स्ट इज योर, आर के लक्ष्मण डाइड ऑन जनवरी 26, 2015, ही वॉज लीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ इंडिया। आर के लक्ष्मण, एक जो बुजुर्ग इंसान का आपको कार्टून दिखता है ना न्यूज़पेपर में, फिर वहां से अमूल का कार्टून दिखता है द हिंदू में, तो इसी तरीके से आर के लक्ष्मण कार्टून्स आपको किस न्यूज़पेपर में दिखते हैं, ये आप बता सकते हो। एक बुजुर्ग इंसान अपने डे टू डे लाइफ में क्या क्या करता है, तो वैसे उसको पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करना, बाकी इश्यूज के साथ रिलेट करना, ऐसा बनता कार्टूनिस्ट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जितने लोग यहाँ पे, विकास, शशि, अंकित, पवन, आयुष, गर्विता, करेक्ट आंसर्स एवरीवन। तो एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? एसोसिएटेड विथ हिज कार्टूनिस्ट। तो राशिपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण एंड कॉमनली नोन एज आर के लक्ष्मण इज इंडियन कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड ह्यूमरिस्ट। ह्यूमरिस्ट मतलब जैसे बोलते हैं ना, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब बात करने का तरीका और लोगों को हंसी भी आएगा बातों में, इस तरीके से समझदारी जो है नजर आती है। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज क्रिएशन ऑफ, जो उनका कार्टून है उसका नाम क्या है? द कॉमन मैन एंड हिज डेली कार्टून स्ट्रिप, जिसका नाम है यू सेड इट। और ये कहाँ पे आता है? ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में उन्होंने ये कार्टून्स बनाना शुरू किया था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स कोरिया इज अ रिनोन्ड इंडियन व्हाट, फ्रीडम फाइटर। चार्ल्स कोरिया आपको पता ही होता अगर फ्रीडम फाइटर होते तो, हिस्ट्री क्लासेस में। पेंटर, आर्किटेक्ट, अर्बन प्लेनर, या फिर अवार्ड विनिंग डॉक्टर। आर्ट एंड कल्चर सीरीज करें तो चांसेस कम है कि ये भी हो, तो आप 50-50 में से आंसर कर सकते हैं एटलीस्ट। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? मालगुडी डेज के केस में आर के नारायणन, ठीक है। एंड द सीरीज इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज वेल, पता है आप लोग को, वो फ्री में यू कैन वॉच इफ यू वॉन्ट टू वॉच अगेन मालगुडी डेज। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, वेरी गुड। जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 लिख रहे हैं, आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर, एब्सोल्युटली करेक्ट। द आंसर हियर इज आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर। नाउ द क्वेश्चंस फ्रॉम योर आर्ट एंड कल्चर सीरीज, एज यू कैन सी ही इज आर्किटेक्ट एंड अर्बन प्लानर। सो दिस सीरीज इज ओवर हियर। हमने सभी क्वेश्चंस को डे 1 से डे 6, कल हमने 50 क्वेश्चंस किया था पर आज तो क्वेश्चंस यहाँ पे इतने ही थे, तो हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे ओल्ड एडिशन से सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। फ्रॉम विच सीरीज? फ्रॉम दी आर्ट एंड कल्चर सीरीज। आपने अगर कल का सेशन मिस किया है तो आप कल के सेशन को जाके जरूर देखिए। कल 50 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे, आज इतने क्वेश्चंस बचे हुए थे तो हमने इतने क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए। थर्सडे से हम लोग एक नए सीरीज को यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द पॉलिटी सीरीज, जो कि आपका किस कोर्स के साथ जारी है? वेडनेसडे से हम थ्योरी कोर्स जो पॉलिटी पे कंप्लीट कोर्स लेके आ रहे हैं फ्रॉम 23rd ऑफ जून
उसके साथ ही एक साथ ये कोर्स है। तो 23rd ऑफ जून से प्लस क्लासेस पॉलिटी क्लासेस आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़रूर ज्वाइन करें, साथ साथ आप सभी एडुकेटर्स के सभी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और फिर थर्सडे से यूट्यूब सेशंस में फिर से मिलेंगे, टाइमिंग सेम मंडे ट्यूसडे और थर्सडे 5 PM के लिए क्लासेस है, ठीक है। तो थर्सडे 5 PM वी विल मीट फॉर द पॉलिटी सेशंस। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप ये पूरा आर्ट एंड कल्चर का जो सीरीज था, 6 डे का सेशन था, इसने आपको ज़रूर यहाँ पे हेल्प किया होगा। अपने पास सेशन सेव रखिएगा और यहाँ से आप रिवाइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड डू नॉट फॉरगेट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पॉलिटी कोर्स फ्रॉम टुमारो। तो अगर आप ऑलरेडी प्लस पे हो तो भी आप इसको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब कर लो। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपको एनरोल बटन पे क्लिक करना है और आपके लिए कोर्स बिल्कुल फ्री है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।